बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में, यानी आईसीटी की क्लास में हम बात करेंगे एमएस वर्ड का जो प्रैक्टिकल है हमारे पास, वो है मेलिंग टेप्स। सो मेलिंग टेप्स की कमांड को आज हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। आते हैं। ये रहा हमारे पास मेलिंग्स। अच्छा, इसमें आप हमें काफ़ी ज़्यादा कमांड्स नजर आते हैं, जिस तरह एनवेलप्स है, लेबल्स है, स्टार्ट मेल मर्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हैं। इसमें कमांड की कोई सीक्वेंस नहीं है कि जी हम एनवेलप स्टार्ट लें और आखिर तक चले जाएं। ये कमांड्स आगे पीछे हैं, ठीक है जी। तो एक एक्सपर्ट बंदा ही इस मेन्यू से आपको करवा सकेगा कि पहले ये करो, बाद में ये करो, बाद में ये करो, बाद में ये करो, और अक्सर ये तरतीब भूल भी जाते हैं। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका समझाता हूँ, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इन कमांड्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जी मेल मर्ज या मेलिंग कमांड किस लिए यूज़ होते हैं। देखिए, बेसिकली ये मर्ज करता है किसको, एक टेम्पलेट को, एक टेक्स्ट को, एक लेटर को, जो कि अपने टाइप किया होता है, अपने बनाया होता है, और बॉस से किसके साथ, मेल्स के साथ। सो किस तरह, देखिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो, डायरेक्टर हो, वट एवर जो भी हो, आपने एक पोजिशन वैकेंसी अनाउंस की, एडवर्टाइज की न्यूज़पेपर में, इसके अगेंस्ट आपको 500 लेटर्स आ गए, एप्लीकेशंस आ गए, उसमें से आपने शॉर्टलिस्टिंग करके हंड्रेड्स को सेलेक्ट कर दिया कि इनको इंटरव्यू लेटर के लिए कॉल करना है। आपने अपने उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को कहा कि इनके लिए इंटरव्यू लेटर तैयार करें। अगर ऑपरेटर्स को, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, उनको तरीका नहीं आता है, वो क्या करेगा, वो अलग से 100 इंटरव्यू लेटर्स तैयार करेगा। अगर टेक्निक आता है, जस वो एक लेटर तैयार करेगा और उसको क्या करेगा, इस कमांड की मदद से उनके साथ मर्ज कर देगा, उनके बाद जो लिस्टिंग शॉर्टलिस्ट एंट्रीज आई हुई हैं, तो 100 लेटर्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं हम ये तरीका सीखते हैं, राइट। सो कमांड इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक क्या, रिकॉर्ड, दूसरा क्या, लेटर। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जो रिकॉर्ड होता है ना, वो तो आप किसी भी डेटाबेस में रख सकते हैं, जिस तरह एक्सेस हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, माइस्क्यूएल हो गया। अगर वो नहीं है तो फिर एक्सेल में रख दें। एक्सेल में भी अगर आपको काम नहीं आता या नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एमएस वर्ड में आ जाएँ, इंसर्ट पर आ जाएँ, टेबल पर आ जाएँ, और उनके लिए टेबल बना दें, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सो किस तरह है, सपोज़ मुझे एक नेम का कॉलम रखना है, एक सेल नंबर का रखना है, एक एड्रेस का रखना है, ठीक है जी। ये तीन कॉलम मुझे चाहिए, और कितने चाहिए, सपोज़ मैं कहता हूँ मुझे एक 7 एंट्रीज चाहिए, राइट। मैं ज़रा इसको, सपोज नेम, ठीक है जी, ओहो नेम पर आ जाए, फिर इसके बाद टेप प्रेस करता हूँ, ये माउस पॉइंटर की मदद से जाए, लिखता हूँ क्या, एड्रेस, और सेल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, कॉन्टेक्ट नंबर। आप इसके बाद आप इस पर इंट्रीज कर सकते हैं, इन जो लेटर्स आपके पास एप्लीकेशन आए थे उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग करके आपने जो सेलेक्ट किया उनकी इंट्रीज यहाँ पर कर दें। सपोज असद लिखता हूँ, ठीक है जी, असद कहाँ का है, असद दीर का है, कॉन्टैक्ट नंबर इसका क्या है, मैं वैसे एज्यूम करके लिखता हूँ, ठीक है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरा कौन है, ज़फ़र है, कहाँ से बिलोंग करता है जी, मर्दान से बिलोंग करता है, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर इसका क्या है, जिसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट जी नवीद है, ये कहाँ से बिलोंग करता है जी, ये बिलोंग करता है कराची से। ठीक है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इसी तरह आप एंट्रीज को, चंद एंट्रीज आपने यहाँ पर दिखनी है, नवीद हो गया, उस्मान हो गया, कहाँ का है जी, पिशावर का है, इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट कौन है, बिलाल है, कहाँ का है जी, इस्लामाबाद का है। कॉन्टैक्ट नंबर्स का क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट कौन है, अकबर हैं, कहाँ का है,
जी पिशावर का है, इसे कॉपी करता हूँ, क्या लिखूँगा? और कांटेक्ट नंबर्स का क्या है? ये इसका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है जी। आपने रिकॉर्ड बना लिए, इसके बाद उसको सेव करके रख दे। मैं फाइल पर आता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, और कहाँ फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे छोड़ता हूँ, डेस्कटॉप, इसका नाम रखता हूँ रिकॉर्ड्स। सेव कर दिए, ओके जी। अब न्यू करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो लेटर तैयार करूँगा जो कि मैंने इसको सेंड करना है, सपोज इंटरव्यू लेटर, फॉर्मेट आप डिज़ाइन कर ले, जी मिस्टर, ठीक है, या मिस हो सकती है, व्हाटएवर जो भी है, इसका एड्रेस या सेल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, और एड्रेस, ठीक है जी। हमें ये चाहिए, और फिर इनको जो टेक्स्ट सेंड करना है कि जी आपको इस तारीख के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जो आपने जो हमें एप्लीकेशन सेंड की थी या सीवी सेंड की थी उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये आपने इसको क्या कर दिया, एक लेटर तैयार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब कमांड अप्लाई करेंगे। अच्छा, सो पहले दो चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए, एक क्या रिकॉर्ड, दूसरा क्या वो लेटर्स, वो टैक्स जो कि आप उनको सेंड करना चाहते हैं। सो कमांड अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मेलिंग्स पर आते हैं। दोबारा कहता हूँ, ये सारे कमांड यूज़ होंगे लेकिन ये आगे पीछे होते हैं। हम क्या करते हैं, ये नेडिस ऑर्डर होते हैं, हम एक आसान सा मेथड यूज़ करते हैं जो कि एक पुराना मेथड है। वह देखें, स्टार्ट मेल मर्च विजिट पे, स्टार्ट मेल मर्च पे क्लिक करें, फिर नीचे आ जाएं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्च विजिट पे क्लिक करें, इनकी एक विजिट खुल जाती है। देखें ये टोटल 6 स्टेप है, तो फिलहाल हम 1 of 6 पर खड़े हैं। अब देखें लेटर एनवेलप्स लेवल्स डायरेक्टरी, और से देखें एनवेलप्स लेवल्स, आप देख रहे हैं ना। सो हम लेटर बना रहे हैं, तो लेटर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हैं, जिस हमने क्या करना है, स्टेप 1 में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, फिर स्टेप 2 शुरू हो जाता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जस्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करते हैं। स्टेप 3 में थोड़ा सा हमारा काम है और काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि आपको आना चाहिए। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अपनी उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने रिकॉर्ड रखे है। अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो हम क्या करते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं। चूंकि हमारे पास फाइल है इसलिए यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट है, बस यहीं से ये। तो ब्राउज पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करते हैं। फाइल कहाँ पर है हमारे पास, डेस्कटॉप पर है, ये डेस्कटॉप। फाइल का नाम क्या है, रिकॉर्ड्स है। ये मैं एक प्रीव्यू इसका दिखा देगा, ये इसका प्रीव्यू है। कोई रिकॉर्ड अगर आपको सही नज़र नहीं आता, हो सकता है आपने इंटरव्यू गलत की हो, तो उसको सिलेक्ट करें और क्या करें, बल्कि इसके नीचे डेटा सोर्स, इसको सिलेक्ट करें और एडिट पर आ जाएं। आप यहाँ से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं फिर, ठीक है जी। फाइल सही है, इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, ओके पर क्लिक करें। ये एक हमारा काम हो गया। दूसरा काम भी है यहाँ पर, वो ये है, ठीक है जी। देखो ये सिलेक्ट रेसिपिएंट हो गया है, एडिट रेसिपिएंट भी हो गया। दूसरा काम हमारा क्या है, हमने यहाँ पर इसके अगेंस्ट वो कॉलम डाल दें हैं जो हमारे पास उस फाइल में थे। तो कॉलम कैसे डालेंगे, हम क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, और देखो मास्टर के आगे क्या आएगा, नेम आएगा ना, तो नेम पे क्लिक करें। इस तरह कॉन्टेक्ट नंबर के आगे क्या, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करें और कॉन्टेक्ट नंबर पे क्लिक करें। इसी तरह एड्रेस के आगे एड्रेस आएगा, सो इंसर्ट मर्ज फील्ड और एड्रेस, ठीक है जी। फिर हमने नेक्स्ट करना है। सो दोबारा सुने, यहाँ पर दो बड़े काम करने हैं आपने, एक तो आपने ब्राउज की मदद से अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है, दूसरा क्या उस फाइल के जो कॉलम्स हैं ना उसको यहाँ पर रिलेटेड लेबल्स के साथ, हेडिंग के साथ क्या करने हैं, डालने हैं। ओके जी, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक करें। स्टेप 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि जी आपने कोई इसमें ग्रेडिंग डालनी है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, एड्रेस ब्लॉक वगैरह वगैरह, तो ये सारी है यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी हम सब कुछ बना चुके हैं, जस्ट हमने क्या करना है, स्टेप 4 में नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक करें। स्टेप 5 पे देखो कंट्रोल यहाँ पर आ गया, प्रीव्यू रिजल्ट्स, देख रहे ना। सो हमने क्या करना है, स्टेप 5 में
नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक करना है, यानी कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करना है हमें। नेक्स्ट हम सिक्स पर आ गए। सिक्स में स्टेप सिक्स जो है ना, इसमें हमने सेंटर में आपको नजर आएगा बिल्कुल बीच में एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, इस पर क्लिक करें और यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें और ओके करें। ये लीजिए आपके लेटर्स तैयार हो गए। देखो ये असद का लेटर, ये जफर का लेटर, देखते जाएं, ये नवीद का लेटर, ये उस्मान का लेटर, ये बिलाल का लेटर, ये अकबर का लेटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये तावा मेल मर्ज विजिट का कमांड, यानी मेलिंग्स की ये सारे कमांड हमने एक एक करके देख लिए। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें से थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपने कुछ सीखा है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इनके अलावा मेरे और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पर हैं, बेशक आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इस यूट्यूब लिंक पर आ जाए, इनको विज़िट करें, आपको मिल जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए इस टॉपिक के या किसी और टॉपिक के जो मेरी वीडियो से रिलेटेड हैं, आप मुझे अपने नाम के साथ ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा। थैंक यू।